नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट इंसेक्ट्स. हमने पढ़ा डोमेस्टिक एनिमल, वाइल्ड एनिमल, वाटर एनिमल, एम्फियर्स, अब बर्ड्स. इसके बाद हम बात करेंगे अभी इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स आर वेरी स्मॉल एनिमल्स, बहुत छोटे छोटे जानवर दैट हैव एंटीनास एंड सिक्स लेग्स, जिनके पास एंटीनास रहते हैं और सिक्स लेग्स रहते हैं. सम इंसेक्ट्स हैव विंग्स, कुछ ऐसे भी इंसेक्ट्स हैं जिनके पास पंख भी रहते हैं. एंड कैन फ्लाई व्हाइल अदर कैन नॉट फ्लाई, कुछ उड़ सकते हैं कुछ नहीं उड़ सकते हैं. अगर आपको पूछा जाए कि आपने कभी इंसेक्ट्स देखा है तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा मच्छर, मक्खी. देखे हैं कि नहीं देखे हैं? तो आपके घर में मोस्टली इजीली देखने को मिल जाते हैं, कॉकरोचेस भी देखने को मिल जाते हैं. तो ये सब भी इंसेक्ट्स में ही आते हैं जो कि स्मॉल एनिमल्स रहते हैं. तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, हमने लिखा भी है कॉकरोच एंड चींटी. चींटी भी आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन उसमें भी छोटे 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 उसके पैर रहते हैं, एंटीना रहते हैं. उसके बाद हाउस फ्लाई, मक्खी, बटरफ्लाई, तितली आपने देखी, बहुत सुंदर सुंदर तितली रहती है. तो ये सब आते हैं किसके अंदर? इंसेक्ट्स में. किसमें आते हैं? इंसेक्ट्स में. तो इंसेक्ट्स क्या होते हैं? स्मॉल एनिमल्स दैट हैव एंटीनास एंड सिक्स लेग्स. अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे इंसेक्ट्स जैसे कि हनी बी. जैसे हनी बी, सिल्क वर्म, जो हमारे लिए बहुत यूजफुल है. कुछ ऐसे इंसेक्ट्स, हनी बी हो गया या सिल्क वर्म हो गया, जो हमारे लिए यूजफुल है. हनी बी कैसे यूजफुल है? क्योंकि हनी बी से हमको हनी मिलता है और सिल्क वर्म से हमको सिल्क मिलता है. तो ये सब यूजफुल इंसेक्ट्स हैं. और लाइक मॉस्किटो एंड ग्रास हॉपर आर हार्मफुल. और मॉस्किटो और ग्रास हॉपर कुछ ऐसे जो हार्मफुल भी हैं. मॉस्किटो काटते हैं, देखिए हमें पिंच होता है तो दर्द भी करता है, ब्लड भी उड़ लेके चल जाता है. तो कुछ यूजफुल हैं इंसेक्ट्स और कुछ हार्मफुल इंसेक्ट्स हैं. तो आप लोग ये 5-5 नेम्स लिखिए, यूजफुल इंसेक्ट्स के नाम और हार्मफुल इंसेक्ट्स. आफ्टर दैट हनी बी से कोई मॉस्किटो हो गया. अब फूड ऑफ एनिमल, खाना क्या, एनिमल्स क्या खाते हैं, ये आप लोगों को मालूम होगा. आप यहाँ पे अगर पेट्स एनिमल है तो आप लोग उसको खिलाते होंगे, तो आपको उसका नॉलेज बहुत होगा. अब यहाँ पे बात करते हैं एनिमल दैट ईट प्लांट. जो एनिमल जो सिर्फ प्लांट्स के प्रोडक्ट को ही खा, प्लांट्स को खाते हैं, उनको हम बोलते हैं हर्बिवोरस एनिमल्स. ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स को खाते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? हर्बिवोरस एनिमल्स. जैसे कि डियर हो गया, क्रिकेट हो गया. और ऐसे एनिमल्स जो दोनों को खाते हैं, प्लांट्स भी एंड एनिमल्स भी. ऐसे एनिमल्स जो दोनों को खाते हैं, प्लांट्स भी एनिमल्स भी, उनको हम बोलते हैं ओमनीवोरस एनिमल्स. क्या बोलते हैं उनको? ओमनीवोरस एनिमल्स. जैसे कि डियर हो गया, क्रॉ हो गया. अब हम बात करते हैं होम ऑफ एनिमल्स की, घर, एनिमल्स का घर. तो सम एनिमल्स लीव इन नेचुरली मेड शेल्टर इन फॉरेस्ट. कुछ ऐसे एनिमल हैं जिनका प्राकृतिक द्वारा नेचुरली पहले से घर बना हुआ रहता है. उसमें से हो गया लॉयन. लॉयन कहाँ रहता है? डेन में रहता है. बियर कहाँ रहता है? केव में रहता है. मंकी कहाँ रहता है? पेड़ में रहता है. तो इनको बनाने की जरूरत नहीं है, वो नेचुरली है, उनके पास नेचुरली उनका घर है बना हुआ. लेकिन एलिफेंट है, जिराफ है, ज़ेब्रा है, डियर है, ये सब जो है मेनली जो है घूमते रहते हैं, ग्रास लैंड पर घूमते रहते हैं, रोम करते रहते हैं. एनिमल्स, सम एनिमल्स बिल्ड होम. कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो घर बनाते हैं. कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो घर बनाते हैं, जैसे कि बीज. बीज, बीज क्या? बिहेव्स. उसके बाद रैपिड, बॉडो में रहते हैं. स्पाइडर, कॉकपेट. आपने देखा है मकड़ी का जाला देखा है, उसे कॉकपेट कहते हैं. बर्ड्स, नेस्ट बनाते हैं. तो कुछ ऐसे जानवर हैं जो बनाते हैं और कुछ ऐसे जानवर हैं जो नेचुरली उनका बना हुआ रहता है, वहाँ पे रहते हैं. ह्यूमन बींग्स मेक शेल्टर फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स एंड कीप देम देयर. लेकिन हम ह्यूमन बींग्स भी, हम इंसान भी, हम भी कुछ जानवरों के लिए शेल्टर, घर बनाते हैं जहाँ वो लोग रह सके. तो यहाँ पे बात करें जैसे कि हॉर्स के लिए स्टेबल बनाए जाते हैं, काउस के लिए शेड बनाए जाते हैं, शीप्स के लिए पेन बनाए जाते हैं, जहाँ पे उनको रख सके, उनकी देखभाल हम कर सके और उनसे जो हमको यूजफुल चीज़ चाहिए हम लोग वहाँ से इजीली उन लोग से ले सके. अब एनिमल्स और उनके बेबीज की बात करते हैं. आपने तो बहुत पहले पढ़ा होगा एनिमल्स और उनके एनिमल्स के बेबीज के नेम. तो यहाँ पर मैंने कुछ आपको बताया है और आपको जितना अगर आपको नॉलेज है तो आप उसको याद कर सकते हैं. देखिए बियर्स, बियर्स के बच्चों कहते हैं कब, डॉल्फिन के बच्चों कहते हैं पग,
ये सब जो है इसके एग्जाम्पल्स हैं. ओके, तो दीज आर कॉन्टेंट्स आर विद इन चैप्टर.